ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਚੁੱਟੜਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ एक्टर और मॉडल उर्फी जावेद अक्सर अपने अतरंगी फैशन सेंस को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियों में आने वाली उर्फी जावेद आए दिन अपने बोल्ड फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहें, लेकिन कई बार वह अपने पहनावे को लेकर ट्रोल भी हो जाती हैं और कई अटपटी कमेंट का सामना भी करना पड़ता है। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपने वीडियो और फोटो अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। आज उर्फी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें वह एक ऑफ शोल्डर ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस स्टोरी में उर्फी ने लिखा है कि पहली बार जिंदगी में मैंने इतने छोटे बाल किए हैं। हालांकि छोटे बालों में भी उर्फी काफी सुंदर दिख रही थी। उर्फी जावेद इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक गलत फैमिली की वजह से उनके परिवार से उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। 2 साल तक मानसिक उत्पीड़न झेलने के बाद उर्फी ने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया। आज मुंबई की चकाचौंध की दुनिया में उर्फी छोटा ही सही एक सितारा जरूर बन चुकी हैं, जो कभी ना कभी तेज चमक सकता है। उर्फी जावेद ने पारस कलनावत को डेट किया था। दोनों की मुलाकात मेरी दुर्गा के सेट पर हुई थी। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उर्फी जावेद ने कम समय में ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने नेटवर्थ की बात करें तो एक्ट्रेस 1 मिलियन से भी ज़्यादा की मालकिन है। खैर, अभी इनके नेटवर्थ की खास जानकारी हमारे पास भी नहीं है। उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक गलत फैमिली की वजह से परिवार से इनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। 2 साल मानसिक उत्पीड़न झेलने के बाद उर्फी जावेद ने खुद को संभाला। अब वह मनोरंजन की इस दुनिया में अपना नाम बना चुकी हैं। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उर्फी मीडिया में जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की थी। हालांकि उर्फी को एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के वह मुंबई आ गई। उर्फी ने 2016 में छोटे पर्दे पर कदम रखा और वह अब तक कई टेलीविजन शो कर चुकी हैं। उर्फी ने करियर की शुरुआत बड़े भैया की दुल्हनिया से की थी। इसके अलावा चंद्र नंदिनी, दुर्गा, बेपना, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई शोज किए, जिनसे उर्फी काफ़ी पॉपुलर हो गई। छोटे पर्दे ने उर्फी जावेद को घर घर तक पहचान दिलाई और पॉपुलर भी किया, लेकिन असल पहचान उर्फी को बिग बॉस से मिली। बिग बॉस के माध्यम से वह यूथ के बीच पॉपुलर हो गई। उर्फी ने अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं और यूथ के लिए स्टाइलिस्ट दीवा बन चुकी हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर इंडो कैनेडियन सिंगर कुवर ने उर्फी जावेद के साथ एक फोटो शेयर का कैप्शन लिखा था कि बहुत कुछ पक रहा है। इस पर उर्फी ने भी अपना रिएक्शन दिया, जिसके बाद दोनों के डेट करने की खबर आने लगी थी। दरअसल उर्फी ने सिंगर की पोस्ट को स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसके बाद से ही ये चर्चाएं आने लगी थी कि उर्फी कैनेडियन सिंगर को डेट कर रही हैं।